दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आउट हुई है अमेज़ोन की तरफ से वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट की, जो कि वर्क फ्रॉम होम है पूरी तरह। 12th पास, ग्रेजुएशन, फ्रेशर, हर तरह के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अपने नेटिव लैंग्वेज में इसमें वर्क कर सकते हैं। ये कंपनी की तरफ से आपको फ्री वाईफाई, इंटरनेट कनेक्शन का जो भी सॉल्यूशन होता है, जो भी सर्विसेज होती है, वो आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है। फ्री लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है और आपको एक टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाता है साइड इफेक्ट्स कार्ड के माध्यम से, यानी कि साइड इफेक्ट कार्ड दिया जाता है आपको, उसके हेल्प से आप वन टाइम फूड आपको दिया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और इसमें सैलरी आपकी लगते ही बनती है 35 से 40-45 हज़ार के बीच में, और OT कन्वेंस वगैरह लगा के आप 50 हज़ार रुपये महीने का इजीली अर्न कर सकते हैं बिना किसी के इन्वेस्ट के, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा आपको, ठीक है। और इस वीडियो को पूरी इसलिए देखना क्योंकि इसका अप्लाई करने का प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं सबके बारे में बात करूँगा। देखिए यहाँ लोकेशन पर दिखा रखा है किस किस लोकेशन पर कितनी वैकेंसी, जैसे बेंगलोर में 3 वैकेंसी है, पुणे में, बेंगलोर, दिल्ली, इंदौर, कोलकाता, पुणे, ठीक है। ये सब ये एरियाज़ दिए हुए हैं, ठीक है, लोकेशंस जहाँ जहाँ वैकेंसीज हैं इसकी, अमेज़ोन की हायरिंग चल रही है। तो हम एक बार दिल्ली पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि दिल्ली में कौन कौन सी वैकेंसी है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे दिल्ली की वैकेंसीज आ जाएंगी। देखिए दिल्ली में से कितनी वैकेंसीज है मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट दिल्ली NCR इंडिया, वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट दिल्ली NCR इंडिया। तो टेक्निकल के लिए BE BTEC मांगा जाता है, लेकिन मैं आपको 12th पास के लिए दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे जॉब के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ इजीली अब जब आप क्लिक कर लेंगे इस पर, इस वाले पोर्शन पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ देखिए अब जो भी जॉब की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके सामने खुल कर ओपन हो चुका है। इसमें ये लिखा गया है कि सबसे पहले आपके नॉलेज होनी चाहिए, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, रिटन और वर्बल दोनों तरीके से, आपको कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने आनी चाहिए, यानी कि जो भी जैसे किसी की डिलीवरी नहीं पहुंची है तो क्यों नहीं पहुंची है, सामने से बहस होती है तो वो उसका आपको ईजिली सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का स्किल आपके पास अच्छा होना चाहिए, गुड एबिलिटी टू क्लियर अंडरस्टैंड, मतलब समझदारी होनी चाहिए, ये एक नॉर्मल सी बात है किसी भी वर्क करने के लिए। एबिलिटी टू यूज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो और साथ में विंडो XP, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सब, इंटरनेट एक्सप्लोजर, टाइपिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये सब इन्होंने मांगा है। इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए आपको, आपको लोकेशन वगैरह चेक करने आनी चाहिए, आपको ईमेल वगैरह पढ़ना आना चाहिए, ये सिंपल सी कुछ चीज़ें इन्होंने मांगी होती हैं। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल, आपके अंदर कस्टमर को अच्छे से हैंडल करना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट की वैकेंसी है, इजीली कर सकता है हर कोई, पर यह है कि थोड़ा सा कस्टमर से अच्छे व्यवहार में बात करना, उनको कन्वेंस करना होता है, तो वो इजीली आप कन्वेंस करना चाहते हैं, किसी तरह का सेल वगैरह कुछ नहीं होता। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 एंड एनी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टू एलिजिबल, यानी कि आप 10+2 हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर है तब भी वही आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा, एक्सपीरियंस हो तो भी उसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ साइड में अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई पे क्लिक करें, आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको फ़ोटो किस तरह डालनी है, तो फ़ोटो के पीछे आपका जो चेहरा है वो साफ़ आना चाहिए, कपल नहीं होने चाहिए, दो एक से ज़्यादा दो नहीं होनी चाहिए, तो इस टाइप की आपको फ़ोटोज़ डालनी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो बिल्कुल ही अच्छे से दिखने चाहिए, और आप नोट और रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा।
तो थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल एंड फीमेल जेंडर आपने डालना है, और ये सभी फॉर्म्स आपको सबमिट करने हैं कि हम आपको क्यों हायर करें, आपको इसके बारे में कहाँ से पता लगा, ये सब दुनिया भर की चीज़ें। तो आप सोशल मीडिया, इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह सारे सिस्टम डाल सकते हैं। यही सब यहाँ अपने फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट कर कर यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको एक लिंक आता है, वो व्हाट्सअप सॉरी ईमेल पे आपको मेल आता है, उस मेल पे असेसमेंट लिंक होता है। उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपके जो हायरिंग है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो असेसमेंट आपको देना होता है, जब आप उस असेसमेंट में पास हो जाते हैं तो ही आपको हायर किया जाता है। तो असेसमेंट बिल्कुल ईजी होता है, थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह होता है, इंग्लिश वगैरह होता है, तो नॉर्मल होता है जनरल इंग्लिश। तो उसको आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने के बाद आप यहाँ काम शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह की वैकेंसीज़ के अपडेट मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और वैकेंसी के साथ।